रांची के रातू थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार की रात 5 आरोपियों ने नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया था और चलती कार में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार भी कर लिया है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने मीडिया को यह जानकारी दी। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। डीएसपी अंकिता राय ने गश्ती के दौरान दलादली चौक के पास उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा था। सभी आरोपी दुर्वा थाना क्षेत्र के रहने वाले और पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। न्यूज 11 भारत के कुछ सवाल है इस पूरे मामले को लेकर, सवाल है, हालांकि बहुत सारे मामलों को लेकर सवाल है, लेकिन इस स्पेसिफिक मामले की बात करें तो आखिर क्यों बार बार रांची में इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, आखिर क्यों बार बार रांची में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं? कहां है रांची पुलिस, कहां है रांची पुलिस की साख, आखिर क्या कर रही है जिले के पुलिस कप्तान, क्या करे पुलिस, क्या कर रही है, आखिर क्या करे ग्रामीण एसपी? सरकार की कोशिश के बावजूद जिला पुलिस लापरवाह क्यों बनी हुई है? आखिर क्यों अपराधियों में या आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है? आखिर क्यों तमाम तरह से कार्रवाई पुलिस करती है, गिरफ्तारियां होती हैं, धरपकड़ होती है, छानबीन होती है, मामले की तह तक पहुंचती है, मामले को सुलझाया भी जाता है, लेकिन बावजूद जो अपराधी है वो फिर से हिमाकत कर जाते हैं। और दीपक उराव इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीधा जुड़ चुके हैं दीपक हमारे साथ। दीपक, सबसे पहले तो इस मामले को जानना चाहेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल भी पूछेंगे और वो पुलिस के फेलोर पे, आखिर पुलिस से डर क्यों नहीं रहे अपराधी, क्यों नहीं डरते हैं? लेकिन पहला इस मामले में अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल क्या क्या हुआ है और क्या आगे चीजें क्या होगी? जी बिल्कुल पंकज, ये सामूहिक दुष्कर्म की जो घटना है वो बीते 11 मई का है, जब 11 मई का रात 10:30 बजे का है। जगह पुराना विधानसभा से जगन्नाथपुर की ओर नाबालिग छात्रा जा रही थी, उसी दौरान 5 युवक एक कार पर आते हैं और उसे यह कहते हुए अपने गाड़ी पर बैठा लेते हैं कि चलो तुमको छोड़ देते हैं, उसी और उसे बैठा लेते हैं। उसके बाद उसे देर रात इधर उधर घुमाते रहते हैं और रिंग रोड के पास दलाली चौक के पास उन्हें ले जाया जाता है और उसके बाद गाड़ी रोककर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। वही जो अंकिता राय जो प्रशिक्षु डीएसपी है वो गश्ती के लिए, पेट्रोलिंग के लिए निकली हुई थी, तो उन्होंने जब देखा कि एक कार वहाँ पर रुका हुआ है तो फिर वहाँ पास जाकर देखा तो पूछताछ की गई तो देखा कि 3 युवक वहाँ गाड़ी पर बैठे हुए हैं, बाकी उससे आपत्तिजनक हालत पर पाया गया था। पूछताछ करने के दौरान वो लोग भागने की कोशिश किए, हालांकि फिर उन्होंने तत्कालीन तुरंत रातू थाना को सूचना दिया और उसके बाद उन्हें गाड़ी के नंबर से उन्हें ट्रेस करके उन्हें पकड़ा गया। हालांकि ये घटना के बाद कहे या घटना के समय ही तो उन्हें पकड़ लिया गया और उसके बाद उन्हें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने इस बात की जानकारी दी कि सभी लोगों को पकड़ लिया गया है, जो कार दुष्कर्म की घटना में जो शामिल किया गया था उस कार को भी डिटेन कर लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आए दिन इस तरह की घटना सामने आ रही है, खासतौर पर अभी कुछ दिन पहले ही चान्हो में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुआ था, तो आजकल जो देखने को मिल रहा है कि जो छात्रा, खासतौर पर जो नाबालिग छात्रा होती है, उससे कहीं ना कहीं अपने हवस का शिकार लोग बना रहे हैं और इस तरह की घटना आए दिन हो रही है। जबकि आपको जब पता ही है कि नाबालिग बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना हो रही है या अत्याचार हो रही है, इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर कड़ा कानून भी है जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई तो रही है। हम इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं करें कि पुलिस जो है तत्परता से काम करती है, अपराधियों तक पहुंच जा रही है, आरोपियों को पकड़ लेती है, फिर आगे की कार्रवाई होती है, लेकिन ये अपराध रुक क्यों नहीं रहा? आखिर क्यों खौफ नहीं है अपराधियों में, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों में पुलिस का, आखिर चूक कहां हो रही पुलिस से? देखिए इसमें दो पहलू है, एक तो प्रशासन को भी सचेत होना होगा, दूसरी बात है कि समाज को भी इस पर इस ओर जागरूक होना होगा। क्योंकि अगर प्रशासन की बात करें तो जिस तरह से वो गाड़ी जो इस्तेमाल किया गया था दुष्कर्म की घटना में, वो गाड़ी का जो शीशा था वो ब्लैक फिल्म का था, मतलब काला शीशा लगा हुआ था, और जबकि आपको पता ही है कि काला शीशा लगाकर गाड़ी का चलाना या गाड़ी का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, फाइन का प्रावधान है और सजा का भी प्रावधान है, बावजूद इसके धड़ल्ले से रांची के शहर में काला फिल्म का शीशा लगाकर लोग चल रहे हैं, तो इस ओर भी प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जो भी क्राइम होता है वो कहीं ना कहीं काला शीशा का इस्तेमाल करते हैं और काला शीशा का इस्तेमाल कहीं ना कहीं एक तरह से कहे तो
कानूनी तौर पे होना चाहिए काला शीशा जो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब अगर कहीं ना कहीं ठीक है, ये ग्रामीण इलाके में हुआ, रातू रोड जो है उसमें ग्रामीण एसपी के अधीन में आता है, लेकिन फिर भी शहर की बात, एसएसपी हो जाए, जो सिटी एसपी हो जाए, ग्रामीण एसपी आ जाए, क्या पुलिस की ओर से कोई व्यवस्था ऐसी की जाएगी कि तत्काल इस तरह की चीजें हो तो तत्काल पुलिस को घटनास्थल पर जाने के लिए अलर्ट हो जाए? ऐसी कोई चीज पुलिस कर रही, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है कि ऐसी घटना हो ही नहीं? देखिए, इसी सवाल पर हम जब ग्रामीण एसपी नौशाद आलम से पूछे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस तरह के घटनाएं आए दिन हो रही, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन पुलिस भी तत्परता से काम कर रही है, ये बात उन्होंने कहा। और इस तरह के जो अभी जो परसों दिन जो घटना घटी है 11 मई को, इस पर जब हमने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पेट्रोलिंग के लिए जो गश्ती निकलती है हमारी पुलिस, जो थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पेट्रोलिंग होती है, चाहे पीसीआर हो, तो वो पूरी तरह से पेट्रोलिंग में अपनी जो ईमानदारी के साथ पेट्रोलिंग करे। कहीं पर भी अगर कोई गाड़ी अगर लवारिस हालत में मिले या उस पर लोग सवार होकर चल रहे हो, वो गाड़ी अगर किसी रास्ते पर अगर मिले, खड़ी अगर मिले, तो वहां पर जाकर के पूछताछ अवश्य करें। चलिए, शुक्रिया दीपक, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी, लेकिन सवाल तो हमारा फिर भी बना रहेगा, पुलिस से बना रहेगा, एसएसपी से बना रहेगा, सिटी एसपी से बना रहेगा, ग्रामीण एसपी से बना रहेगा और डीजीपी से भी बना रहेगा कि आखिर आप किस तरह की पुलिसिंग करने का निर्देश देते हैं और आपके निर्देशों का किस तरीके से माहौल यहां पर उठता है। आखिर पुलिस का खौफ अपराधियों में पैदा क्यों नहीं होता है कि घटनाएं लगातार बढ़ती, क्राइम लगातार हो रहा है? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।